हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लेक्स में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप चैनल के नाम से जानते हैं कि ये एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारी में किस टाइप का सिम्टम्स आ रहा है, जिससे आप उसको पहचान के उसकी जाँच करवा सकें, तथा साथ ही साथ आप कौन सी दवा ले रहे हैं, उसके इफेक्ट क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइबर युक्त फूड्स के बारे में है। आप फाइबर युक्त फूड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि ऐसे 20 देसी सबसे सस्ते फाइबर फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से होते हैं, उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। फाइबर फूड्स को हम रेशेदार खाद्य पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो फाइबर फूड होते हैं, ये वस्तुओं के उन हिस्सों को कहते हैं जो बिना पचे हुए हमारे आंत के बाहर निकल जाता है, या ये कह लें कि वो बिना पचे हमारे आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पदार्थ जो होते हैं वो हमारे आंतों में नहीं चिपकते हैं, और कई तरह की पाचन संबंधी जो गंभीर समस्या होते हैं उनको दूर करती हैं। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? अब इसके ये फ़ायदे होते हैं कि जो हमारा मल त्याग की जो समस्या होती है ये उसको दूर करता है। मल त्याग को वो समान कर देते हैं, जिससे वो आसानी से हमारे आंतों के द्वारा एनस के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। और ये फाइबर युक्त जो फूड होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं, ब्लड शुगर को का भी लेवल कम करते हैं, तथा ये सबसे ज़्यादा सहायता हमारे वेट लूज करने के अंदर भी काम आता है। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो आदमियों में 30 से 38 ग्राम डेली होती है, और वही महिलाओं में 21 से 25 ग्राम तक इसका यूज करना चाहिए, तथा साथ ही साथ बच्चों में 14 ग्राम से लेकर 31 ग्राम तक करना चाहिए, तथा जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो ओल्ड एज वालों को, जिनमें जो मेल है उनको 30 ग्राम तक, और जो फीमेल है उनको 21 ग्राम तक रोज़ फाइबर युक्त या रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जो हमारी कब्ज की समस्या है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फाइबर युक्त फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको पानी का भी सेवन उसी हिसाब से बढ़ाना होता है। आइए अब बात करते हैं बेस्ट फाइबर युक्त फूड के बारे में। ये जो फूड्स हैं वो वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और अनाज के अंदर भी हमारे फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें पहला है अमरूद। अगर हम अमरूद का एक फल लेते हैं लगभग 160 ग्राम का, तो उसके अंदर क्या होता है कि 8.9 से लेके 8.10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है। दूसरा हमारा है जो फूड है वो काला चना। काला चना अगर एक कप है उसके अंदर 86 ग्राम तक लगभग वेट के काले चने आते हैं, इसके अंदर आपको 8.5 ग्राम फाइबर भी मिलता है। मसूर की दाल है, उसके अंदर 15.5 ग्राम फाइबर मिलता है। मटर की दाल अगर हम 100 ग्राम ले लेते हैं तो उसके अंदर 8.2 ग्राम फाइबर मिलता है, तथा राजमा अगर 88 ग्राम हम राजमा लेते हैं, या समझ लीजिए कि एक कप राजमा लेते हैं, तो उसका अंदर भी 6.55 ग्राम फाइबर मिलता है। अलसी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं फाइबर युक्त भोजन में। अलसी का अगर हम 3 बड़ा चम्मच लेते हैं तो उसके अंदर 7.6 ग्राम फाइबर हमको मिलता है। नारियल एक कप अगर लिया 80 ग्राम का, तो उसके अंदर भी हमको 7.2 ग्राम का फाइबर मिलता है। चुकंदर अगर एक चुकंदर हम खाते हैं 140 ग्राम का या 150 ग्राम का एक चुकंदर अगर हम ले लेते हैं, तो उसके अंदर 7 ग्राम तक हमको फाइबर मिलता है। खजूर का सेवन करने भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। खजूर का अगर हम 10 खजूर लेते हैं 100 ग्राम का, तो उसके अंदर लगभग 5.4 से लेकर 5.6 तक फाइबर हमको मिलता है। केले के अंदर हमको 5.2 ग्राम फाइबर मिलता है। नाशपाती के अंदर 7.1 ग्राम का फाइबर मिलता है, तथा जो हमारी फली होती है, फली ग्वार फली जिसे कहते हैं, हम ग्वार फली भी रेशेदार होती है, इसके अंदर 5 ग्राम तक हमको फाइबर मिलता है।
और अगर एक कप सोयाबीन अगर हमने ले लिया, इसके अंदर 5.1 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। जौ 45 ग्राम अगर ले लिया एक कप, अगर हम जौ लेते हैं 45 ग्राम तक या 50 ग्राम तक आता है उसके अंदर, वो हमको 4.5 ग्राम तक का फाइबर हमको देता है। नारंगी संतरा, संतरा अगर एक पीस लिया तो इसके अंदर भी 4.5 ग्राम का फाइबर मिलता है। हरी मटर, इसको अगर हम एक कप लेते हैं तो इसके अंदर भी 3.7 ग्राम तक का फाइबर हमको मिलता है। पॉपकॉर्न या जिसे हम मक्का कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, 3 कप अगर लिया तो इसके अंदर हमको भी 3.6 ग्राम का हमको फाइबर मिलता है। सलजम का यूज भी कर सकते हैं हम फाइबरयुक्त भोजन के अंदर, 140 ग्राम का अगर सलजम ले रहे हैं तो इसका 3.6 ग्राम का हमको फाइबर मिलता है। गाजर के अंदर अगर एक गाजर है तो उसका 3.6 का फाइबर मिलता है। हम अनार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार के अंदर हमको अगर एक कप अनार ले रहे हैं तो इसके अंदर भी 3.5 ग्राम का हमको फाइबर मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी 20 ऐसे फूड्स जो हमको बहुत ही आसानी से हर जगह मिल सकते हैं और हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कम से कम आपको अगर ये आप शुरू कर रहे हैं तो आपको देखिए पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पी लेंगे, फाइबर युक्त भोजन नहीं ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हमको भी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर आएगी तो इसके अंदर भी कब्ज भी हो सकती है। इसीलिए हमको फाइबर युक्त भोजन करना, उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना है। ये जानकारी आपको अगर थोड़ी भी मदद करती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरों को भी फाइबर युक्त जो फूड है, जो भोजन है, उनके बारे में उनको जानकारी हो सके और वो अपना स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।